in two different worlds. Knights of Saint Christopher. दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इतने दिनों बाद मिलकर आप लोगों से बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोग अपने लाइफ में बहुत मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे धांसू फैंटेसी सीरीज के बारे में जिसे आप इजीली नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये काउंटडाउन। नंबर 5 पर है आज की हमारी सीरीज 7.4 IMDb रेटिंग के साथ द चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। सीरीज में कुल 4 सीजन्स हैं। अगर आपको फैंटेसी के साथ मिस्ट्री पसंद है तो सीरीज बिल्कुल आपके लिए फिट बैठती है। तो यहाँ स्टोरी है सबरीना स्पेलमैन की, जिसकी डुअल पर्सनालिटी होती है, रात में एक विच और दिन में इंसान। तो इस पर्सनालिटी को कैसे बैलेंस करके सबरीना चलती है ये आप सीरीज में देख पाएंगे। नंबर 4 पर है 2020 में रिलीज की गई फैंटेसी थ्रिलर सीरीज कर्ट। रेटिंग की बात करें तो IMDb ने इसे 6 पॉइंट की रेटिंग दे रखी है आउट ऑफ 10। स्टोरी की बात करें तो ये शुरू होती है बेहद ही खूबसूरत नीमू से, जो अपने लोगों को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए आर्थर नाम के योद्धा के साथ टीम अप करती है। सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, जाकर देख लें। नंबर 3 पर है 7.9 IMDb रेटिंग के साथ बढ़िया ड्रामा फैंटेसी पर बेस्ट सीरीज स्वीट टूथ। इसे रिलीज की गई थी 2021 में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी कुल 2 सीजन्स हैं। तो यहां कहानी दिखाई जाती है पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड से, जहां एक जादुई बच्चा पैदा होता है जो एक हाफ ह्यूमन हाफ डियर होता है। तो अपने लोगों को बचाने के लिए वो लड़का कितना स्ट्रगल करता है ये सीरीज की मेन पॉइंट है। नंबर 2 पर है 6.7 IMDb रेटिंग के साथ ड्रामा फैंटेसी पर बेस्ट सीरीज द ऑर्डर। इसे रिलीज की गई थी 2019 में। तो यहाँ स्टोरी दिखाई जाती है जैक मॉर्टन की, जो एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करता है। तो वहाँ जाने के बाद वो काला जादू के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज गेन करता है, फिर अपनी शक्तियों का यूज कर अपने माँ के कत्ल का बदला लेने की सोचता है। नंबर 1 पर है 8.9 IMDb रेटिंग के साथ द विचर। सीरीज को रिलीज की गई थी 2019 में और ये बेस्ट होने वाली है फैंटेसी थ्रिलर पर। तो सीरीज की मेन कहानी शुरू होती है विचर जेरेट से, जो एक मॉन्स्टर हंटर होते हैं। तो लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि विचर मॉन्स्टर से भी खतरनाक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी कुल 3 सीजन्स हैं, जो नेटफ्लिक्स पर इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, हैव फन।